आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोज प्रॉपर्टी को, जिसके मुताबिक मैट्रिक्स ए बी की मल्टीप्लिकेशन का होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। सबसे पहले हम ट्रांसपोज प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोज प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड को पहले डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद राइट हैंड साइड को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बात ज़हन निशिन कर लीजिए कि ट्रांसपोज प्रॉपर्टी उन मैट्रिसेस पर अप्लाई की जाती है जो कि सेम ऑर्डर में मौजूद हों। अब हम ट्रांसपोज प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले कंसिडर करते हैं, जिसके लिए हमें मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लीकेशन को फाइंड करना होगा। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल दी गई है। एग्जाम्पल में हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी मौजूद हैं और हमें इनकी मल्टीप्लीकेशन को फाइंड करना है। दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन के लिए इनका कंपेटिबल होना जरूरी है और कंपेटिबिलिटी के लिए जरूरी है कि ये दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर में मौजूद हों। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2x2 है जबकि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2x2 है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है जबकि ऑर्डर में मौजूद दूसरा और तीसरा डिजिट भी आपस में सेम है, जिसकी वजह से ये दोनों मैट्रिसेस कंपेटिबल हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स का अब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए हमें इस मैट्रिक्स की पहली रो को कॉलम में चेंज करना होगा, जबकि दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल होगी और ये मैट्रिक्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। अब हम ट्रांसपोज प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज पहले फाइंड किया जाएगा, इसके बाद मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड किया जाएगा। मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के लिए हमें मैट्रिक्स बी की पहली रो को कॉलम में चेंज करना होगा, इसके बाद दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें मैट्रिक्स बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए हमें मैट्रिक्स ए की पहली रो को कॉलम में चेंज करना होगा, जबकि दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी और ये मैट्रिक्स हमारी राइट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी। अब हम जब ट्रांसपोज प्रॉपर्टी की दोनों साइड्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन से हमें मालूम होगा कि दोनों साइड्स की मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोज प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है कि मैट्रिक्स ए बी की मल्टीप्लिकेशन का होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।